तो आपने देखा आप किस तरह से योगा का अभ्यास करोगे, और ये सभी योगा आप हर रोज स्कूल में हर रोज करते थे, और उम्मीद है आप घर पे भी इस तरह से हर रोज योगा करोगे। इसके बाद दूसरी चीज जो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जरूर घर पे अपना खुद का काम आप खुद जरूर करें। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ADL क्लास में जो आपको सिखाया जाता है वो आप हर रोज घर में उसका प्रैक्टिस करोगे और खुद से करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले जैसे कपड़े पहनना, अपना टी शर्ट पहनना, पैंट पहनना, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको क्लास में सिखाया गया है वो आप करोगे। शॉर्ट्स, पैंट, टी शर्ट, शर्ट, उसके सही से बटन लगाना, ठीक से ऑयलिंग, कॉम्बिंग, ये सब कुछ एक्टिविटीज आप खुद से करेंगे। और सारे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ये सभी काम करने में उत्साहित करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो जैसे आप घर पर एक्सरसाइज करते होंगे, डांस करते होंगे, गेम खेलते होंगे, तो वैसे ही साथ साथ में क्या आपको पढ़ाई भी तो करनी है, तो ऐसे ही आपको डेली रूटीन में अपना पढ़ाई भी करना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज देखो डेट कौन सी है, 18, कैलेंडर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, 18 अप्रैल 2020 और डे है आज का सैटरडे। चलो बच्चों अब हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स में हम प्लेन शेप के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन शेप में सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में 1, 2, 3 थ्री साइड होती हैं। फिर उसके बाद हम स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, 1, 2, 3, 4, ये 4 की 4 साइड इक्वल हैं, बराबर हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में पैरेलल साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद हम सर्कल, सर्कल जो राउंड शेप में होता है, इसकी कोई भी साइड नहीं होती है, ये एकदम गोल। बच्चों आपके घर पर जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे तो उनकी शेप आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कि ये देखो ट्रायंगल, ये आपका स्क्वायर, ये आपका सर्कल। हाँ तो बच्चों अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में हमने ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल में ट्रायंगल की स्पेलिंग याद करेंगे, TRIANGLE, ट्रायंगल। और इसमें हमने रेड कलर किया तो रेड की स्पेलिंग भी याद करेंगे, RED, रेड। ऐसे ही हमने स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर में हमने ब्लू कलर किया तो हमने BLUE, ब्लू स्पेलिंग लर्न करनी है, और SQUARE, स्क्वायर। ऐसे ही आपने रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल में आपने पिंक कलर किया तो पिंक कलर की आप स्पेलिंग में लिखेंगे, PINK, पिंक, और रेक्टेंगल, RECTANGLE। ऐसे ही आपने सर्कल, सर्कल में आपने ग्रीन कलर किया तो ग्रीन स्पेलिंग में लिखेंगे, GREEN, ग्रीन, CIRCLE, सर्कल। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग लर्न करेंगे। चलो बच्चों अब हमने स्पेलिंग लर्न कर ली इंग्लिश में, शेप्स भी याद कर ली, तो ऐसे ही हम घर पर हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, जैसे कि हमको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमें सबने बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए कहा है, तो चलो मैम आपको सिखाएंगे कि हमें कैसे प्रॉपरली अपने हैंड्स को वॉश करना है। ओके, तो गीला करेंगे, देन उसके बाद हम अपने हैंड्स पे हैंड वॉश लेंगे एंड दोनों हैंड्स को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे,
देन बैक साइड रब करेंगे, देन सेकेंड हैंड की बैक साइड, देन हम अपनी फिंगर्स को क्लीन करेंगे क्रॉस करके, देन हम पीछे से क्लीन करेंगे, देन सेकेंड बैक साइड एंड अब दोनों थम्स को, देन फिर से हम हैंड्स को रब करके और अपने हैंड्स क्लीन वाटर से वॉश कर लेंगे। देखो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इस समय कमांड के बारे में बात करूंगी। कमांड 2 स्टेप के भी हो सकते हैं, 3 स्टेप के भी हो सकते हैं। बच्चों के लिए जो उचित हो उस हिसाब से आप उसे बोलिए। बच्चों को कमांड दे करके दैनिक जीवन से संबंधित या डेली रूटीन से संबंधित उन कार्यों को करवाइए जो उनकी आदत बन जाए, जैसे कि मास्क लगाना, दूर से बात करना, हैंड वॉश करना, सब्जियां आती हैं घरों में सब्जियों को फ्रिज में रखना, 3 आलू ले आओ, 4 टमाटर ले आओ, 2 प्याज लेके आओ, कपड़े धोते हैं आप लोग। बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग जो बच्चा जिस टाइप से कपड़ा उठा सकता है, हल्का भारी कपड़े फैला दो, क्लिप लगा दो, कपड़े को ले आओ, अपने कपड़े अलग करो, हैंकी फोल्ड करो, टेबल साफ करो, 1 गिलास पानी लाओ। इस तरीके के कार्यों को करा करके हम उनको अपने जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।